बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है विक्रांत, वो सीधा दर्शकों के सामने बड़ा स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं, अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे। और मैं यह भी कहना चाहता हूं आज अरविंद केजरीवाल जी से और सुनीता जी से, जो आपने अरविंद केजरीवाल जी की फोटो बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ, शहीद भगत सिंह जी के साथ लगाई थी, वो बहुत बड़ा पाप था। आपने एक भ्रष्ट शराब घोटाले में मुख्यमंत्री जो इन्वॉल्व है उसकी फोटो लगाकर आपने शहीद भगत सिंह जी का और बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किया है। आपको पब्लिक तौर पर दोनों हाथ जोड़कर और ये जनतक तौर पर एक वीडियो पोस्ट करनी चाहिए और बताना चाहिए कि आपसे ये गलती हुई है, शराब घोटाले वाले मुख्यमंत्री की आपने फोटो लगाई है। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते थे, आज ये स्पष्ट हो गया वो एक भ्रष्ट हैं, उन्होंने शराब घोटाला किया है, इसके बावजूद वो कुर्सी पर चिपक कर बैठना चाहते हैं, अब इसका भी इंसाफ बहुत जल्दी होगा। और बहुत बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी गई है, सबूतों के आधार पर ही ये गिरफ्तारी हुई है, वैध हुई है, ये यहां पर हाईकोर्ट की तरफ से कह दिया गया है। हमारे सहयोगी विक्रांत यादव पूरी जानकारी के साथ। विक्रांत, पांच सबसे बड़ी बातें वो कौन सी रही जो इस कानूनी प्रक्रिया के तहत हाईकोर्ट के जरिए सामने आई? नथिंग पॉलिटिकल, वेरी वेल रिटन जजमेंट। आपकी बात से सहमति जताई, आपकी बात से सहमति जताई हाईकोर्ट ने, कोर्ट ने न्याय न्याय किया है। कोर्ट से वेदर टू मेक अ पर्सन अप्रूवल इज द फंक्शन ऑफ द कोर्ट, ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, नॉट ऑफ द राजनीति में हम जाते नहीं है, हम सिर्फ न्याय करते हैं। सर, कोर्ट अप्रूवल मुझे जाने दो ना, अप्रूवर की जो सत्यता को लेकर, जो उनके बयानों को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे उसको लेकर भी कोर्ट ने टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि एक आदमी को अगर अप्रूवर बनाना या नहीं बनाना वो कोर्ट का कार्य है, वो कोर्ट का कार्य है, ईडी का कार्य नहीं है। गिरफ्तारी को लेकर भी कमेंट किया है, गिरफ्तारी जो है वो बराबर थी, गिरफ्तारी में कोई गलती नहीं हुई, ये भी कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करें तैयार है सर? सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करें तैयार है सर? उनसे पूछे सुप्रीम कोर्ट। सर, द कोर्ट हैज मेड वेरी इंपॉर्टेंट यू नो ऑर्डर वेयर द कोर्ट इज सेइंग दैट डोंट मेक इट अ पॉलिटिकल इशू, डोंट पॉलिटिसाइज दिस, इट्स नॉट अ डिफरेंस वेदर ही इज अ सीएम और नॉर्मल इंडिविजुअल, बट द अप्रूवल थिंग व्हिच इज आल्सो बीइंग रेज्ड इन लोअर कोर्ट आल्सो हैज बीन टच अपॉन बाय द कोर्ट, बट द कोर्ट हैज सेड आई हैव ऑलरेडी सेड अबाउट द अप्रूवल। सर, व्हाट हैज बीन द कोर्ट हैज सेड दैट एज फार एज अप्रूवल इज कंसर्न्ड, how much weight is to be given, what weight is not to be given is a function of the trial court. This is not a trial, that is the mini trial is not being conducted, and an approver is appointed, approved by the court, not by the ED. The court makes an approver and grants him pardon, the ED doesn't grant pardon. Okay, done. Sir, has the statements of hawala operators played a very crucial role in this process? Sir, not one statement. तो बड़ी बातें यहाँ पर हाईकोर्ट की तरफ से की गई है, खासतौर से केजरीवाल गवाह के बयानों को खारिज नहीं कर सकते, ये भी यहाँ पर कहा गया है, उसे क्रॉस एग्जामिन जरूर कर सकते हैं। Cannot say that one statement has made a difference. Sir, umidwar ke bolega ki very benchmark thing for the, all the petition which has gone on its way, where the court has made it very clear that no difference between the nominal individual and big political celebrities. चलो जाने दो, मुझे जाने तो दे। यू हैव प्रणेश, निकल दो, निकल दो सर, निकल दो, निकल दो, निकल दो, चल चल दे, ऐसी रहता हमारे साथ। तो केजरीवाल ब्रेकिंग के जरिए आप तक पूरी जानकारी यहां पर पहुंचा रहे हैं। हाईकोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया कि ईडी ने पर्याप्त सबूतों के आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, ये सीधे और साफ तौर पर कहना अपने आप में बहुत बड़ी खबर, और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के तहत हाईकोर्ट के बाद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त तिहाड़ जेल के सलाखों के पीछे ही रहेंगे, जो फैसला आज हाईकोर्ट की तरफ से सामने आया है, लेकिन ऐसे में जो अगला कदम कानूनी प्रक्रिया के तहत अरविंद केजरीवाल उठा सकते हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ है।